Hello everyone, welcome back to Padhai Made Easy. We were doing the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Actually, it's his autobiography, and we are discussing an extract from that autobiography. What was the name of that autobiography of Nelson Mandela? Long Walk to Freedom. Let's see what happens further. So till now we had seen that he says that it is the people of Africa that who are purest of the diamonds, that he actually gives most very much importance to, that is actually the people of Africa. Though Africa has a lot of wealth, there is African soil is very rich in minerals, but still what he values the most, that is the people of Africa. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. And we had seen he was actually discussing about some freedom fighters, you can say, or he was actually discussing about some people, those who have fought against the apartheid system prevailed in Africa. So now he is saying, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये इन्हीं कॉमरेड्स से था जो कि एक्चुअली जो स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने उनसे क्या सीखा, साहस सीखा. कॉमरेड्स किसको कहते हैं? कॉमरेड्स एक्चुअली एक कंपेनियन, पॉलिटिकल कंपेनियन या फिर मिलिट्री कंपेनियन को हम क्या कहते हैं? कॉमरेड कहते हैं. तो कहते हैं यही जो है पॉलिटिकल मेरे कंपेनियन थे जिनसे मैंने क्या सीखा, करेज यानी हिम्मत और जो है साहस रखना सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने कई बार जो है देखा है, टाइम एंड अगेन मतलब बहुत बार बार मैंने देखा है कि मैन और वुमेन ने अपना जीवन जो है क्या किया है, रिस्क पे लगा दिया है. और किस बात के लिए? एक विचार के लिए. वो विचार क्या था कि अफ्रीका में जो है हर किसी को समानता मिलनी चाहिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा है लोगों को खड़े हुए जो है टॉर्चर्स के सामने, यहाँ तक कि कितना भी टॉर्चर किया ना जाए पर फिर भी वो कभी टूटे नहीं, वो उसके सामने फिर उठ खड़े हुए. शोइंग अ स्ट्रेंथ, एक और ताकत दिखाते हुए, उससे कहीं ज़्यादा ताकत दिखाते हुए. एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी जो है कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो उससे भी जो है अगर लड़ने की ताकत हो उसे क्या कहते हैं, हम रेजिलेंस कहते हैं. और कहते हैं कि मैंने देखा उन लोगों को जो है हिम्मत दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यहाँ तक कि इतनी ताकत की किसी की कल्पना से भी वो परे हो जाए. डिफाइज का मतलब झूठा साबित करना या फिर किसी के बियॉन्ड चले जाना. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. और मैंने उस दौरान सीखा कि हिम्मत जो होती है वो हिम्मत का मतलब ये नहीं होता है कि डर नहीं है, मतलब करेज इज़ नॉट समथिंग दैट एक्चुअली शोज द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट. पर बल्कि करेज का मतलब क्या होता है, डर के ऊपर जीत. यानी अगर आप डर के ऊपर जीत हासिल कर ले रहे हैं, मतलब क्या है, आप जो है विक्ट्री जो है, यानी आप जो है आपके पास बहुत ही करेजियस हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. और ये भी कहते हैं कि वो बहादुर वो नहीं होता है जो कभी डरे ही नहीं, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन बहादुर वो होता है जो डरे तो लेकिन उस डर को, डर के ऊपर जीत भी हासिल करे, यानी उस डर से आगे भी निकल जाए. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द इस कलर ऑफ हिज स्किन. और जहाँ तक मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जन्म लेता है जो कि क्या हो, किसी दूसरे को पैदा होते ही नफरत करना शुरू कर दे. किस बात की वजह से? क्योंकि उसकी स्किन का कलर अलग है और इस बैकग्राउंड या फिर उसका बैकग्राउंड यानी उसका जो है उसकी पृष्ठभूमि अलग है, उसका जो है उसका स्टेटस अलग है. इन सब बातों से कोई किसी को नफरत नहीं करता है. और इस रिलीजन या फिर किसी का धर्म अलग है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. एक सच्चाई तो ये है कि लोगों को जो है हेट करना सिखाया जाता है. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो. सीधी सी बात है, अगर वो नफरत सीख सकते हैं तो प्यार भी सीख सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. क्योंकि प्यार जो होता है वो ह्यूमन हार्ट में बहुत ही प्राकृतिक तरीके से आता है. मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, उसमें नफरत नहीं होती. नफरत तो बाद में सिखाई जाती है. तो अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है. देन इट्स अपोजिट. और होता क्या है एक्चुअली में, इसका एक्चुअल अपोजिट हो जाता है. इवन इन दी
ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. और यहाँ तक कि मैंने देखा है, ग्रिमेस्ट का मतलब डार्केस्ट, जब हमारा जो है सबसे डार्केस्ट समय हुआ करता था जेल में, सबसे जो है अंधकार में समय हुआ करता था जेल में. माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अर लिमिट्स, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी और मैं, हम सब जो है टॉर्चर करते हुए अपनी लिमिट्स को, मतलब वो जो है पार कर दिए जाते थे. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ दी गार्ड्स, में उनमें किसी एक गार्ड्स में से किसी की आंख में मैं क्या देखता था, थोड़ी सी चमक देखता था किसकी, मानवता थे कि मुझे लगता था कि किसी न किसी उनमें जो है थोड़ी सी मानवता की चमक उनमें अभी भी बाकी है. मतलब कितना भी नफरत क्यों ना कर लें, कितना भी जो है अत्याचार करना क्यों ना कर लें, पर इंसान की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यानी जो प्राकृतिक जो उसकी इच्छा होती है प्यार करने की, वो उसके मन से कभी जा नहीं सकती थी. और इसी का नतीजा था कि इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी मुझे उनकी आंखों में क्या दिखता था, जरा सी मानवता इन वन ऑफ दी गार्ड्स, उनमें से किसी में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कभी कभी बस थोड़े समय के लिए, एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज़ इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन बस उतना ही बहुत ज़्यादा था मेरे लिए ये समझने के लिए कि शायद जो है नफ़रत को नफ़रत से मिटाया नहीं जा सकता है, नफ़रत को प्यार से मिटाया जा सकता है और नफ़रत को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि इंसान की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसको कभी छुपाया नहीं जा सकता है. बस हो सकता है जो है, हो सकता है कि छुपा लिया जाए पर उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता. यानी मैन इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो एक ऐसी ज्वाला है जिसको छुपाया तो जा सकता है पर कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है. तो आइए देखते हैं, कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है. व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई. तो व्हेन दे वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द सिस्टम ऑफ अपार्थिड, फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थिड एट दैट टाइम, द सेम जनरल्स were actually ready to arrest him because at that time he was not the president of Africa but somebody who was the lawbreaker. So that is why at that time they had a different attitude, but since now he had become the president of Africa, that is why their attitude has changed and now they were saluting him. Why were two national anthems sung? The two national anthems were sung because it was actually to bring the unity among the people. They were singing each other's national anthem so that actually they could show that they are now respecting each other. How does Mandela describe the system of government in his country? So in the first decade and the final decade. So in the first decade of that century, the kind of government that was actually in Africa that was oppressive to one racial people, and it was actually favoring to other race. That means the government that was there in Africa, it was actually a racial government. But in the final decade of 20th century, when he became the president of Africa, the racial government changed and now it was a democratic government where everybody was treated equal. What does courage mean to Mandela? So for Mandela, courage is not something that shows the absence of fear, but it means that the triumph of over the fear. If somebody has conquered the fear, that means that is courage. That means the man has courage in him. Which does he think is natural to love or hate? So he thinks that it's natural for humankind to love, because hatred is taught to all of us in our later stages. In life, every man has twin obligations to his family. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं जीवन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास क्या होते हैं, दो तरीके के कर्तव्य होते हैं. एक क्या होता है, उसका obligation अपने परिवार के प्रति, यानी कि अपने माता पिता के प्रति, to his parents, to his wife, to his children, and has an obligation to his people. मतलब ये जो है क्या है, दूसरा क्या होता है, ये तो परिवार के प्रति एक जो है उसका कर्तव्य हो गया. दूसरा क्या होता है, हैज़ एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. और दूसरा क्या होता है, अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी जो है अपने जैसे समान लोगों के लिए, और अपने देश के प्रति कर्तव्य होता है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, मतलब एक ऐसा समाज जो कि क्या है, मानवीय है, सिविल है, सभ्य है और
ह्यूमन है यानी मानवीय है. ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक समाज क्या है सभ्य है और सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे हर व्यक्ति जो अपनी दोनों ही कर्तव्य को निभाने में कामयाब हो जाता है अपनी योग्यता के अनुसार. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर हम एक साउथ अफ्रीका जैसे देश की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, ये मेरे जैसे जो है रंग के लोगों के लिए जो कि जिनका जन्म मेरे जैसा हुआ था, मेरे जैसे परिवार में हुआ था, उनके लिए ये फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल था. दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत ही मुश्किल था. क्यों? क्योंकि पहला इसलिए नहीं पूरा कर पाते थे क्योंकि उनके पास किसी तरीके का अधिकार नहीं था. वो जो है अच्छी नौकरी नहीं पा सकते थे, अच्छा जीवन नहीं जी सकते थे. तो सीधी सी बात है, अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने जो है पत्नी को भी वो अच्छा जीवन नहीं दे सकते थे. और परिवार और उसके बाद समाज और अपने लोगों के प्रति क्या था, क्योंकि उनके सभी लोग जो है ऑप्रेस मतलब जो है सताए जाते थे, परेशान किए जाते थे. तो उनके लिए जो है लड़ते लड़ते कभी जो है कई बार ऐसा होता था कि उनके प्रति जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी जो है नहीं पूरे कर पाते थे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका की एक ऐसी स्थिति थी कि एक ऐसा इंसान जो कि क्या है कलर्ड यानी जो कि ब्लैक है, वो क्या था, अगर वो एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी और उसे आइसोलेट यानी अकेला कर दिया जाता था. ये था अफ्रीका. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड अप फ्रॉम हिज फैमिली. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसमें अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता था अपने लोगों के प्रति, यानी लोगों के प्रति कर्तव्य से क्या मतलब है, जब वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता था, जो है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता था, तो क्या किया जाता था, ही वॉज रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से अलग कर दिया था, यानी जेल वगैरह में डाल दिया जाता था, एंड हिज होम उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको जो है एक जीवन बिल्कुल अलग रहने के लिए जो है ज़बरदस्ती उसको छोड़ दिया जाता था. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. और जो है सीधी सी बात है, वो धीरे धीरे क्या बन जाता था, उसके मन में क्या हो जाता था, एक विद्रोह की भावना भर देता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल बिलो माई अबव माई फैमिली. शुरुआत में मैंने जो है अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखना उचित नहीं समझा, पर जब मुझे लगा कि अब सब कुछ ऐसा हो चुका है कि जब तक मैं अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखूंगा तब तक शायद जो है मेरा परिवार भी खुशी से नहीं जी पाएगा, तो मैंने ऐसा ही किया. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने के बारे में मैंने सोचा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड. मुझे लगा कि मुझे रोका जा रहा है, मैं अपने लोगों की सेवा भी नहीं कर सकता. फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, जब मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे रोका गया. एंड एज अ सन, ए ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड, और मैं अपने उन सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया जो एक बेटा होने के नाते करना चाहिए था, एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते और एक हस्बैंड होने के नाते. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं जो है कोई जो है स्वतंत्रता की भूख मेरे मन में बचपन से ही नहीं थी. जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ. आई वॉज बॉर्न फ्री. मेरा जन्म हुआ तो मैं क्या था, आज़ाद था. फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता था. दैट आई कुड नो, जहाँ तक कि मुझे पता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के सामने मैदान में जो है आसानी से बहुत ही फ्री, बहुत ही स्वतंत्र रूप से मैं दौड़ सकता था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो है मैं आज़ाद था जो है बढ़िया से जो है क्लियर स्ट्रीम यानी स्वच्छ पानी की धारा में मैं तैरने के लिए आज़ाद था. दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर गुजरती थी. फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो है जो सितारों भरी रात को जो है मील को यानी जो है अपने खाने को रोस्ट करने के लिए मैं आज़ाद था, और जो है बुल के पीठ के ऊपर बैठकर मैं धीरे धीरे जैसे चलने के लिए आज़ाद था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई दी कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक कि मैं अपने जो है पिताजी को फॉलो करता रहा और मैं अपने कस्टम के ट्राइब के हिसाब से चलता रहा. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. मैं जो है किसी तरीके से जो है इंसान के कानून और जो है गॉड के किसी कानून से जो है किसी तरीके से परेशान नहीं किया गया. सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग. पढ़ाई मेड इजी, वील डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट.